वहीं लोहा अयस्क उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी संस्था एनएमडीसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि SECL कोयला उत्खनन करने वाला कंपनी है और दूसरा यहाँ एनएमडीसी लोहा अयस्क उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। भारत सरकार ने दोनों को अडानी को दिया है, क्या यह निरस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अडानी को जो आयरन और कोल खदान दिया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? वहीं धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि यह लोग बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार धान खरीदती है। यदि केंद्र सरकार धान खरीदती है तो डबल इंजन की सरकार में 15 क्विंटल से 10 क्विंटल क्यों किया गया? कि जितने भी घाटा है वो राज्य सरकार उठाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, वो सारे घाटा राज्य सरकार, लोन राज्य सरकार लेती है, वो गारंटी देती है तब लोन लेती है। तो ये गुमराह करने की लगातार कोशिश। मेरे तरफ से सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि अडानी को जो आयरन ओर का खदान MDO के लिए दिया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? दूसरा सवाल, रायगढ़ में जो गारे पेलमा के जो खदान अभी SECL ने दिया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? ये दो सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से।